कि अगर मेरी ये मशीन ना होती तो मेरा क्या होता, सारे कपड़े मुझे हाथ से धुलने पड़ते। और ये कितने कपड़े हैं, कितने आपने इसमें सर्फ के कप डालने, छोटा सा चम्मच है तो कप के जैसे है उससे डालने हैं, और आपके कपड़े आपको बिल्कुल सूखे हुए या धुले हुए मिलने, बस धूप में सिर्फ आधा से एक। Hey guys, good morning and welcome back to another vlog। और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। माही को मैं छोड़ के आ गई हूँ, वैन तक वो चली गई स्कूल। और एक हमारे महाराज जी, हर दिन की छुट्टी, आज इनका PTM है, तो इनको मतलब ये कि जिस दिन स्कूल होता कई कई बार बड़ा मुश्किल हो जाता है इनको उठाना कि उठो उठो, कल जैसे कि उठाई नहीं उठाई नहीं। लेकिन आज देखो जरा, आज मैंने बोला, कल रात को बोला था कि मम्मी मुझे 9 बजे तक सोने देना, मैंने कहा ठीक है आराम के नींद पूरी कर देना, मैंने कहा ठीक है सोते रहना। लेकिन आज मैं सुबह ही उठ गया, अपने आप ही उठ गया। और उठते ही क्या कर रहा है मैं बताती हूँ। तो विवान बिस्तर पे बैठ के क्या कर रहा है, बिस्तर से बैठ के एक्सरसाइज कर रहा है। उठते ही बोल रहा है कि मुझे ना एक्सरसाइज करनी थी। और क्या कर रहा है, एक्सरसाइज बिस्तर पे नहीं होती, मैंने बोला छत पे जा आराम से, वहाँ पे एक्सरसाइज कर। मम्मी, मैं तो हमेशा उठ जाते थे ना पहले, हमेशा, तब मैंने कैसे, मैं सुबह सुबह उठूंगा मैं के टाइम पे। ठीक है। और अब कल से बीबू की एक्सरसाइज, क्योंकि बीबू को बॉडी बनानी है पापा जैसे, जैसे पापा की बिल्कुल लोहे जैसे बॉडी, तो बीबू बनाएगा बॉडी। और अभी कहाँ जा, तो भाई देखो बीबू जा रहा है अब छत पे, और मैं करती हूँ घर की साफ सफाई, इसका PTM है तो टाइम से जाएंगे। जाओ फिर मैं भी चलते जरा के एक्सरसाइज करता मेरा बेटा। और बाहर मौसम सुबह सुबह इतना ठंडा, इतना सुकून भरा हो रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको कि आजकल मतलब बारिश हुई थी परसों, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई थी, और उसकी वजह से क्या है कि 12 बजे के बाद पंखे बंद कर दो, नहीं तो यहाँ फुल पंखे चलने लग गए थे। देखो बिच गई बीबू की चटाई, और ये है गेहूँ भी कट चुके हैं, दोनों खेत बिल्कुल खाली हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है एरिया। करो एक्सरसाइज, इसको बड़ा शौक है, मतलब बचपन से जब बोलना नहीं आता था ये तब से पुशअप, ऐसी पुशअप मारता था, क्योंकि ये अपने पापा को देखता था ना, पापा को मुझे बोला पैरों को पकड़ना। ये ले, 1 2 3 4 5। तो चलो जी हम करवाते हैं विवान से एक्सरसाइज, आपको मिलते हैं बाद में। ये लग रहे हैं विवान के पुशअप, ढंग से नीचे जमीन पे। घुटने मोड़ रहे तो कुछ। चल मैं जा रही हूँ झाड़ू मारने, तो एक्सरसाइज करना तब आना नीचे। हाँ हाँ स्कूल के भी कर ले, चल। तो भाई अपने बेटे को करने देते हैं एक्सरसाइज, और हम चलते हैं नीचे, और हम घर का काम कर लेते हैं साफ सफाई, क्योंकि हम भी अगर एक्सरसाइज करने बैठ जाएंगे काम नहीं होगा। और मेरा तो आजकल ऑलरेडी बिना एक्सरसाइज करे जो टमी है वो सब अंदर चला गया, और बल्कि क्या है कि मेरा वजन घटता था लेकिन जो पेट है वो बिल्कुल भी अंदर नहीं जाता था, पेट वैसी की वैसी रहता था। लेकिन अभी कुछ टाइम से, एक महीने से अपने आप ही टमी, क्योंकि एक तो मैं सुबह गर्म पानी पीती हूँ हमेशा, सर्दी हो गर्मी हो, सेकेंड है कि जो पोचा है आराम से बैठ बैठ के मारते हैं, तो हो सकता है पहले वाइपर से मारे थे, आजकल वाइपर टूट गया, तो मैंने कहा क्यों लाना वाइपर, इससे अच्छा मैं वो मतलब निकल जा रहा, लूज़ हो रखा है, तो मैंने सोचा कि उन्हें बैठ बैठ के पोचा मारे, और उसकी वजह से जो टमी है वो अंदर चली गई है ना। बड़ा एक्सरसाइज हो गया 2 मिनट में, और मैं सोच रही हूँ कि झाड़ू पोछा मारने से पहले मैं कपड़े धुल लेती हूँ, कपड़े ज़्यादा हो रहे हैं आज, तो चलो कप मशीन लगा देंगे और ये अपने आप धुलती रहेगी और हम अपना काम करते रहेंगे। ऑटोमेटिक है तो सब कुछ अपने आप ही करती है, हमने तब निकालना है इससे कपड़े जब बिल्कुल सूख जाएंगे, छत पे डालने के लिए होंगे, तो अपने आप ही पानी भरेगी, अपने आप ही धुलेगी, कितनी क्वांटिटी में पानी चाहिए, कितने बार इसको धुलना है, सब कुछ अपने आ रहा है। उसके बाद पानी अपने आप ऑफ हो जाएगा, मशीन भी अपने आप ऑफ ऑटो कट हो जाएगी, और कपड़े भी धुल जाएंगे। हो गया तू रेडी? पहली बार जा रहा पीटीएम, रिजल्ट लेने जाता है, और उसके बाद जब इसका PTM होता ही जाता है ना, इसको डर लगता कि कहीं कुछ शिकायत ना बोल दे मैडम से, तो आज बड़े मुश्किल से तैयार हुआ ये लड़का PTM में जाने के लिए, और मैं भी बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ, बस यहीं पे ज़्यादा दूर नहीं है इसका स्कूल, तो हम चले, चलो चलो तो हो गए, चले चले।
शैतानी बोलनी पहले बता दे कि ये बोल देना, बोलूंगी क्या बोल, क्या क्या शैतानी बोलूँ, क्या क्या शैतानी करता है? नहीं चल आज तो बोलूंगी, हाथ क्यों जोड़ रहा, चल चल नहीं बोलूंगी। दादा खोल लिया, धूप बहुत तेज है, अरे देखो ऐसे पटा रहा मुझे, बोल रहे हैं मेरी मैम से कुछ मत बोलना, और ये है सो है इसमें चल रहा है, देख घबराहट के मारे इसका चेहरा देखो, खड़ा रहे चेहरा दिखा मुस्कुरा। भाई बिबू आ गया पीटीएम निपटा के, और अपने लिए क्रैक्स लाए हैं, अब खुश होगी, मम्मी ने शिकायत नहीं लगाई मेरी। इसमें कौन कौन से हैं दिखा, इधर मुड़, क्रैक्स क्यों लेके आए तो? हैं तो इसको क्रैक्शन बनाऊंगा, चलो जल्दी धूप हो रही, चल ठीक है। खाने का इंतजार नहीं हो रहा किस से, तो अभी आ गए हैं घर। आज ये अकेले सोएगा कि बेड जोड़ के इसने वो भाई सोफे जोड़ के इसने बेड बना लिया, मैं खुद जोड़ा, मैं और मायू वहाँ सोएंगे, मामा अंदर सो गया आज, और ये अकेले सोएगा आज, ना तो मामा के साथ सो रहा ना हमारे साथ, इसलिए हमको भी आज बाहर आना पड़ा इसकी वजह से, क्योंकि एक दिन माई सोई थी ना सोफे पे बेड बना के, बस कह रहा कि तो इसकी बारी रह गई थी, तो कह रहा कि मैं सोऊंगा, अभी अकेले सोएगा, सोलेगा अकेले बिना मेरे, सोलेगा हैं, सो जा, मुझे पक्का पता है ये लड़का क्या करेगा, रात को उठ के पक्का आएगा, है ना, आएगा ना, नहीं ये रात को उठ के आएगा, वो सो ही नहीं सकता अकेले, देखते कितने देर तक सोएगा, चल ओके बाय गुड नाइट। तो गाइस बस आज के लिए इतना ही, ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं यहीं पे, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी ये छोटी सी वीडियो, तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, एंड जो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना, ठीक है।